दोस्तों आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, जब भी आप वर्ड फाइल, जो विन वर्ड हम बोलते हैं वर्ड फाइल, तो वर्ड फाइल में जब भी कोई ब्लैंक पेजेस होते हैं उसको हम डिलीट नहीं कर पाते हैं, और जब भी हमें कभी प्रिंट निकालना होता है तो वो भी प्रिंटिंग के साथ साथ में आ जाता है। तो कैसे हमें जो ब्लैंक पेज होते हैं वर्ड फाइल के उसको रिमूव करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफर टेक में। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं मेरे पास एक फाइल है, ये ब्लैंक पेज आपको लास्ट में दिख रहा है, इस तरीके से एक पेज बीच में था और एक लास्ट में है। तो यहाँ पे इस वाली फाइल में दो पेजेस हैं और एक बीच में, एक लास्ट में, एंड में। तो कैसे हमें इसको रिमूव करना है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, लास्ट में, एंड में जाते हैं पेज के, फर्स्ट वाले पेज पे, और अब हम बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको एक हाइड अनहाइड का, जिसको आई बटन भी हम कह सकते हैं, ऊपर आपको एक बटन दिख रहा है ये वाला, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जैसे करेंगे सो हाइड वाला ये होता है बेसिकली, और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपका ब्लैंक पेज है, यानी कि खाली पेज है, जिसको आपको रिमूव करना है अपने वर्ड फाइल से। तो हम नीचे आते हैं, आप ढूंढ लेते हैं एक बार कि हमारे पास ये देखिए आप ये वाला ब्लैंक पेज है। अब इसको रिमूव कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, अब आप देखिए कि ये वाला पेज को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं और बेसिकली मैं ऊपर तक ही सेलेक्ट करता हूं, ये वाला पेज मेरे को रिमूव करना है, और इसको डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए, और जैसे आप इसमें डिलीट बटन प्रेस कर लेंगे ये पेज आपका गायब हो जाएगा डायरेक्टली। आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से और ये गायब हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है डिलीट कर लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं, लास्ट में एक पेज हमारा और है इस फाइल में, और उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा वो वाला फाइल कैसा है, वो वाला पेज हमारा है, उसको भी कैसे हटाना है। तो हम डायरेक्टली नीचे एंड में जाएंगे सबसे लास्ट में, और उस वाले पेज को भी सेम टू सेम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने अब तक सेलेक्ट किया है। तो हम लास्ट वाला पेज देख सकते हैं आपके, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम जो है डायरेक्टली डिलीट वाला दबा सकते हैं या फिर आप कट वाला दबा सकते हैं, जो कट का होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों पेज हमारे गायब हो जाएंगे। अब इस पे दोबारा क्लिक करना है और आपका जो बाकी पेजेस हैं आप देख सकते हैं वो ब्लैंक वाले पेजेस आपके गायब हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लैंक पेजेस को हटा सकते हैं अपनी वर्ड फाइल से। तो कैसा ये वीडियो आपको लगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करना, क्योंकि लाइक का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।